सरल स्वभावी, वाणी में माधुर्य, ईमानदार छवि, अनुशासित व्यक्तित्व के रूप में लोकप्रिय, सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में रत, अनेक संस्थाओं के उच्च पदों पर आसीन प्रतिष्ठित व्यवसायी श्री महेंद्र सिंघल जी, फर्म श्रीनिवास फूड इंडस्ट्रीज एवं श्रीनिवास पल्सेस प्राइवेट लिमिटेड। आप दालों का व्यवसाय करते हैं। आप सन 1978 से नया बाजार दिल्ली में कार्यरत हैं। इन्हीं समस्त कार्यों को देखते हुए अपने 54 वर्षों के आधार पर व्यापारिक व सामाजिक कार्यों में रत अमर ज्योति डायरेक्टरी एवं जैन संजोग पत्रिका के संपादक श्री हनुमानमल जैन गोलछा आपको अग्ररत्न की उपाधि से विभूषित करते हुए। आदरणीय व्यापारी भाइयों से हनुमानमल जैन गोलछा का सादर नमस्कार। व्यापारी भाइयों, आज मैं ऐसे हर हस्ती से आपका साक्षात करवा रहा हूँ, साक्षात कर रहा हूँ जिस व्यक्ति से मेरा सफर 1980 से है। नया बाजार के बहुत ही मौजूदा आदमी और हसमुख मिलनसार, जब भी उनका मिलना होता है तो हंसते हुए ही, और हनुमान जी क्या हाल है। अब तो इनसे हमारा संपर्क दो दो रिश्तों से है। लाला जगदीप प्रसाद जी जय भारत सरिया वाले, जो मेरे बहुत ही वर्धस्त उनका मेरे सर पर रहता है, और दूसरे श्री दिनेश जैन कामधेनु सरिया वाले, वो भी यहाँ पिछित रही है। उनका भी शुरू शुभारंभ जब जैन समाज का किया था तो मैं भूल नहीं कर रहा हूँ, तो श्री दिनेश जी का मेरे पर विशेष रहा, और जगदीश प्रसाद का तो अभी तक चल रहा है। बहुत आशीर्वाद बराबर, जब से महीना दो महीना नहीं मिलना होता है तो लाला जगदीप प्रसाद जी का फोन आ जाता है, अरे गोलछा भाई कहाँ हो, मिलते कहाँ नहीं हो। तो ऐसे सबती से तो दो रिश्ते हो गए ना, ऐसे परिचित व्यक्ति है, आप पहचान गए होंगे। नहीं, मैं नाम ले रहा हूँ श्री महेंद्र कुमार जी सिंगल साहब, और श्री दिवास फूड इंडस्ट्रीज के मालिक, श्री दिवास प्रेसेज प्राइवेट लिमिटेड के मालिक, और कितनी संस्थाओं से दिल्ली दाल मिल एसोसिएशन के आप मुख्य सलाहकार कह सकता हूँ, और पल्सेज एंड मिल्स इम्पोर्टर्स संस्था है उसके आप उपाध्यक्ष हैं, अग्रवाल इंटरनेशनल बाज राजा के सैन उनके आप ट्रस्टी हैं, कि पता नहीं कितने के संस्थाओं से और जुड़े हुए होंगे। जितना भी इनका मैं व्याख्यान करूं वो कम है। आज मैं श्री महेंद्र कुमार जी साहब का साक्षात उम्र करा रहा हूँ। ये कब यहाँ आए और कब से इनका व्यापार है और कैसे इनका जीवनचर्य है, और इनका सुपुत्र अपूर्व सिंगल जो राय में फैक्ट्री में देखते हैं, दो अपना संतुष्ट जीवन है, सादा जीवन, उच्च विचार की हमेशा भावना रही है, ऐसे है हमारे श्री महेंद्र कुमार जी सिंगल साहब। महेंद्र भाव जी नमस्कार। नमस्कार, और क्या भाव जी, तो आप तो व्यापार समाज के दोनों तरफ से आप जैन समाज में विरोध करते, बेटी भी दी है, बेटी दी है और बहू लाए हो, बहू लाए है, तो थोड़ा आधार प्रदान दोनों तरफ, ये बहुत बड़ा समाज के लिए गर्व है। और मैं आज समाज व्यापार को दोनों से संबंधित आपसे करवा रहा हूँ, आपके बारे भी और समाज के बारे भी आप आधार कहीं देने की कृपा करें। मैं महेंद्र कुमार सिंगल 1978 से इस दाल के व्यापार से जुड़ा हूँ। 1977 में मैंने एमएससी फिजिक्स में दिल्ली विश्वविद्यालय से फर्स्ट डिवीजन में पास की, लेकिन व्यापारिक परिवार से जुड़ा रहने की वजह से, रुझान व्यापार की तरफ होने की वजह से मैं इस व्यापार में आया और 1978 से ये व्यापार शुरू किया हमारे छोटे भाई के साथ में। तो तब से आज तक दाल का व्यापार में लगे हैं और काफ़ी उतार चढ़ाव व्यापार में जीवन में देखे हैं, व्यापार के देखे हैं, बहुत तब्दीलियां व्यापार के करने के तरीक़ों में आई है, और सब समय के साथ साथ बदलती रहती हैं, और उसके हिसाब से हमने इस काम को आगे बढ़ाते रहे हैं मेहनत के साथ, समय के साथ, जैसे जैसे चला वैसे वैसे चलाते रहे हैं।
सा व्यापार के साथ साथ सामाजिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम सभी में रुचि रहती है, सभी में मन लगता है, लगाव रहता है, तो समय समय पर जो भी योगदान बन जाता है अपने पास से वो योगदान देते हैं तन मन धन हर चीज़ से। हनुमान मल जैन जी हमारे से 1980 से जुड़े हुए हैं। ये डायरेक्टरी निकालते थे तब से ये हमारे से जुड़े हुए हैं। उसके बाद ये व्यापार में आने का जाने का समाज का ये सब संपर्क इनके साथ में बना हुआ है और ये हमें सब जानकारी देते रहते हैं अलग अलग राज्यों की, अलग अलग स्टेटों की डायरेक्टरी के माध्यम से, जिससे हमें व्यापार करने में सुविधा रहती है, संपर्क जोड़ने में आसानी रहती है। मैं व्यापारी भाइयों का जय सज्जो पत्रिका परिवार की तरफ से महेंद्र बाबू जी का आपका आभार प्रकट करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप अपना समय निकाल के इतना समय दिया और मुझे उम्मीद रखता हूँ, विश्वास है आने वाले फंक्शन में आप जरूर पधारेंगे, ऐसी आपको आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद बाबू जी, धन्यवाद।